नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 जून को त्योथर आएंगे। त्योथर में कुलगढ़ी के पुनर्निर्माण कार्य का करेंगे भूमि पूजन। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज रीवा के कलेक्टर और एसपी डभौरा पहुंचे। वहां उन्होंने कुलगढ़ी का निरीक्षण किया। त्योथर में कुलगढ़ी के पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा, आयोजन में कोल समाज के लिए गर्व और गौरव का विषय होगा। कोल समाज के लोगों को अधिक से अधिक उपस्थित के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, आयोजन में कोल समाज के प्रबुद्ध जनों को भी उपस्थित सुनिश्चित कराई जाए, उन्हें बुलाया जाए। यह कार्यक्रम कोल समाज के लोगों के मन में अपने समाज के प्रति सम्मान के भाव जागृत करने का कार्यक्रम है। बेहतर तरीके से कार्यक्रम हो, व्यवस्थित ढंग से गरिमापूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसकी तैयारी रीवा जिला प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है। वहां पर आज दौरा किया, जगह का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर रीवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 9 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का त्योथर का कार्यक्रम है, वो मुख्यतः कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है, उसका भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त त्योथर क्षेत्र के लिए और एक विशेष योजना है, जो माइक्रो इरीगेशन की लिफ्टिंग योजना है, उसके भी वर्क ऑर्डर्स हो चुके हैं, तो उसका भी भूमि पूजन किया जाना है, जो लगभग त्योथर के 52 गाँवों को सिंचित करेगा, 52 गाँवों को कवर करेगा, उसका भी काम शुरू होना है। तो इन दो महत्वपूर्ण कार्यों का शिलान्यास होना है। इसके साथ ही कोल समुदाय के एक बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है, हितग्राही सम्मेलन, जिसमें ऐसे हितग्राही जिनको भू अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कोल समाज का एक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, उसके लिए तैयारियां जो होनी है, उससे संबंधित लोग रहेंगे। तो कार्यक्रम स्थल कोलगढ़ी, जहाँ स्थल पर शिलान्यास होना है, जिस कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार होना है, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसी काम लोगों ने जो प्रशासनिक निरीक्षण है वो किया है। कार्यक्रम में आसपास के लोगों की सहभागिता रहेगी। साथ ही साथ चूँकि सतना जिले सीधी से शहडोल से भी कई सारे हितग्राहियों के और जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं, उनके पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल है वो हेलीपैड के बगल से ही रखा गया है, ताकि एक ही जगह पर रहे, और कार्यक्रम स्थल के चयन के समय ये भी ध्यान रखा गया है कि सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, पार्किंग की दिक्कत ना रहे। जो हितग्राही कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको कम से कम दूरी का सामना करना पड़े। साथ ही इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि कस्बा का जो एरिया है त्योथर का, वो भी बाईपास हो जाए, ताकि जो रूटीन गतिविधियाँ हैं त्योथर की नगर पंचायत की, वो भी डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से चिन्हित किया गया है।